हेलो एंड वेलकम टू वी थ्री कार्स। क्या आप जानते हैं कि मारुति सुजुकी इन्वेक्टो की फ्यूल एफिशिएंसी दैट इज 23.24 KMPL, टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की 21.1 KMPL फ्यूल एफिशिएंसी से ज़्यादा है, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर 17 इंच व्हील्स एंड स्लाइटली लेसर वेट एज वेल। अगर आप मारुति सुजुकी इन्वेक्टो लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसके एक्सटीरियर एंड इंटीरियर हाईलाइट्स के साथ साथ इसके प्राइजेस भी बताएंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मारुति सुजुकी इन्वेक्टो के एक्सटीरियर हाईलाइट्स के साथ। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। वेल इट्स नो सीक्रेट कि जो इन्विक्टो है वो इनोवा हाईक्रॉस के ऊपर बेस्ड है, बट जस्ट टू क्रिएट अ डिफरेंशिएटर बिटवीन द टू प्रोडक्ट, यहाँ पर आपको कुछ थोड़े डिजाइन एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि अलग हैं कंपेयर टू द इनोवा हाईक्रॉस। यहाँ पर आपको एक नया ग्रिल देखने को मिलेगा जिसके साथ आपको एक मैश फिनिश दिया गया, एंड दिस इज अ जेनरस यूज ऑफ क्रोम एज वेल। और यहाँ पर आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी, और यहाँ पर नीचे आपको पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। अगर मैं बात करूँ कुछ अलग चेंजेस की, तो यहाँ पर आपको एक LED DRL भी दिया गया है जो कि इंडिकेटर का भी काम करता है व्हेन यू टर्न देम ऑन। और यहाँ पर आपको एक स्लाइटली सिल्वर फिनिश में एक फोर स्किड प्लेट का भी ट्रीटमेंट दिया गया है। अब आपके इसके हेडलाइट्स में आपको देखने को मिलेंगे 3 LED पॉट डिज़ाइन जो कि नेक्सा सिग्नेचर बन चुका है। यू विल सी दैट इन द बलिनो एंड इन द ग्रैंड विटारा एज़ वेल। और यहाँ पर भी आपको 3 LED पॉट डिज़ाइन देखने को मिलता है, एंड द क्रोम ऑल्सो एक्सटेंड टू द हेडलाइट एज वेल। अगर मैं इसके साइड चेंजेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बॉडी क्लैडिंग जो कि ब्लैक कलर्ड है, और यहाँ पर आपको 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। इनोवा हाईक्रॉस में आपको 18 इंच के व्हील्स देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर 17 इंच के व्हील्स हैं जिससे इसका फ्यूल एफिशिएंसी भी मार्जिनली बढ़ता है जो हमने स्टार्टिंग में बताया था। इसके साथ आपको 21560R17 के टायर्स देखने को मिलेंगे, एंड अराउंड द साइड यहाँ पर आपको एक पार्किंग कैमरा भी दिया गया है फॉर द साइड व्यू। और दिस ये जो पूरा एरिया है एकदम हाईक्रॉस के जैसा ही लगता है बिकॉज देयर इज नो मेजर चेंज इन दैट सेंस। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द चेंजेस एट द रियर, यहाँ का आपका सबसे हाईलाइट चेंज है ये 3 पॉट LED डिज़ाइन जो कि नेक्सा सिग्नेचर ट्रीटमेंट है, एंड दिस इज द फर्स्ट मारुति कार टू ऑफर अ पावर टेलगेट। अगर मैं ओपन करूँ दैन इट रिवील्स अ स्पेस ऑफ अराउंड 239 लीटर्स विद 3 सीट्स अप। अगर मैं सीट्स को फोल्ड कर दूंगा, इफ़ आई ट्राई टू डू सो, तो ये ओपन करता है अराउंड 690 लीटर्स ऑफ स्पेस, दैट इज क्लास लीडिंग। यहाँ पर आपको थोड़ा स्टोरेज स्पेस दिया गया है, स्पेयर व्हील इज माउंटेड बिलो इट, तो वहाँ पर आपको उसकी पोजिशन देखने को मिलेगी, एंड विद जस्ट वन प्रेस ऑफ अ बटन आप इसके बूट को बंद भी कर सकते हैं। एंड ओवरऑल ये काफ़ी हद तक सिमिलर है टू द इनोवा हाईक्रॉस, एंड देर इज़ नॉट मच टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, बट इट स्टैंड्स आउट ऑन इट्स ओन थैंक्स टू अ कपल ऑफ मारुति सुजुकी एक्सक्लूसिव चेंजेस लाइक दीज LED टेल लाइट्स एंड LED हेडलाइट्स एज वेल। अब चलिए इसके इंटीरियर्स देखते हैं और देखते हैं कि इसमें वो क्या अलग फीचर्स हैं जो कि दिए गए हैं कंपेयर्ड टू द टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस। सो राइट नाउ वी आर इनसाइड द केबिन ऑफ द ऑल न्यू इन्विक्टो। यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे ओवर द इनोवा हाईक्रॉस। टू स्टार्ट विद, यहाँ पर आपको ऑल ब्लैक डैशबोर्ड देखने को मिलेगा विद अ लिटिल बिट ऑफ गोल्ड एक्सेंट्स अराउंड द सेंटर कंसोल एंड द AC वेंट साइड। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत सॉफ्ट टच मटेरियल भी देखने को मिलेगा दैट अपलिफ्ट्स द ओवरऑल एम्बियंस ऑफ द केबिन इन माई ओपिनियन। यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्पेस दिया गया है, इसमें वायरलेस चार्जर नहीं आता, दैट इज देयर इन द इनोवा हाईक्रॉस, एंड देयर इज अ 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट एज वेल। अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा विच कम्स विद वायरलेस एप्पल कारप्ले एज वेल। और यहाँ पर आपको एक 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है दैट इज डिजिटल। और यहाँ पर आपको इसके ड्राइव मोड्स एंड द ओवरऑल टेलटेल लाइट्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपके सेंटर कंसोल में आपको कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं दैट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, द बटन फॉर द 360 degree पार्किंग कैमरा, एंड द डेडिकेटेड EV मोड एज वेल जिससे आप इस कार को प्योर इलेक्ट्रिक मोड पर भी चला सकते हैं विदाउट यूजिंग अ सिंगल ड्रॉप ऑफ फ्यूल। यहाँ पर आपको एक टाइप सी चार्जिंग सॉकेट दिया गया है वेयर द अदर वन इज अ टाइप ए सॉकेट। यहाँ पर आपको मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया अलॉन्ग विद वेंटिलेटेड सीट्स फॉर बोथ द फ्रंट सीट दैट इज फॉर ड्राइवर एंड को पैसेंजर। एंड इसके सेंटर कंसोल में आपको 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, एंड इसके आर्मरेस्ट के अंदर भी आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस दिया गया है। सो दैट नाउ आई हैव एडजस्टेड द फ्रंट सीट एज पर माई ड्राइविंग पोजिशन एंड आई स्टैंड 6 feet टॉल। वील गो टू द बैक और वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ पर स्पेस एंड कम्फर्ट कैसा दिया गया है। सिंस दिस इज अ 7-seater वेरियंट ऑफ द इन्विक्टो, यहाँ पर आपको कैप्टन सीट देखने को मिलेंगे विद इंडिविजुअल आर्मरेस्ट। और यहाँ पर आपको एक सेंटर ट्रे टेबल भी देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स दिए गए, एंड एक छोटा सा स्पेस है जहाँ पर मे बी आप अपना स्मार्टफोन रख सकते हैं, एंड ये फोल्ड डाउन भी हो जाता है सो दैट यू कैन गेट एन ईजी एक्सेस टूवर्ड्स थर्ड रो एज वेल। अगर मैं रियर पैसेंजर्स के हिसाब से कुछ फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है
जिसके साइड में आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलेगी और यहाँ पर आपको एक मैप लाइट अलॉन्ग विद रियर एसी वेंट्स भी दिए गए हैं जो कि रूफ पर माउंटेड है। यहाँ पर आपको ग्रैब बंडल्स दिए गए हैं अलॉन्ग विद कोट हुक एज वेल, और यहाँ पर आपको दिया गया है रियर सनशेड जिसे आप यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हैं। आगे की तरह यहाँ पर भी आपको गोल्ड एक्सेंट्स दिए गए हैं अराउंड द डोर्स, और यहाँ पर आपको पावर विंडो के स्विचेस भी देखने को मिलेंगे। कार के सेंटर में आपको यहाँ पर एक आपका खुद का जोन मिलेगा फॉर द क्लाइमेट कंट्रोल, जहाँ से आप इसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, और नीचे आपको दो टाइप सी चार्जिंग सॉकेट्स भी दिए गए हैं। और इस साइड पर आपको देखने को मिलेगा एक स्मॉल हुक जहाँ पर आप अपने ग्रोसरी बैग्स को लटका सकते हैं, और दोनों सीट्स के पीछे आपको सीट बैक पॉकेट्स भी दिए गए हैं जहाँ पर आप अपने मैगजीन या न्यूज़पेपर्स भी रख सकते हैं। इट इज़ वर्थ मेंशनिंग कि इनविक्टो में आपको ऑटोमन सीट्स नहीं मिलते हैं, जिसमें आपको एक्सटेंडेबल कार सपोर्ट मिलता है अलॉन्ग विद द रिक्लाइन एंड स्लाइड फंक्शन दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यहाँ पर आपको मैनुअल एडजस्टमेंट दिया गया है फॉर बोथ स्लाइड एंड रिक्लाइन, तो जिसका डिसेंट एडजस्टमेंट डिग्री काफ़ी ज़्यादा है, बट इन द हाई क्रॉस यू गेट दिस इन एन पावर्ड वे, बट यहाँ पर ये सब कुछ मैनुअल दिया गया है, सो दैट कुड दैट वन इज अ मिसिंग फीचर राइट देयर। नाउ वी विल गो टू द थर्ड रो ऑफ द कार टू चेक आउट कि वहाँ पर कितना स्पेस मिलता है। इनविक्टो के थर्ड रो में जाने के लिए आपको स्लीवर को पुल करना है जिससे इसकी सीट आगे चली जाएगी, एंड देन यू कैन रिक्लाइन द बैक रेस्ट, और फिर आप इसके थर्ड रो में एक्सेस कर सकते हैं। एंड वंस यू आर इन, आप इस सीट को यहाँ से पीछे कर सकते हैं। एंड वंस आई डू सो आई कैन टेल कि सिंस आई स्टैंड 6 feet टॉल, यहाँ पर मेरे लिए डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस है, एंड इफ़ यू चेक मेरे पास यहाँ पर डिसेंट अमाउंट ऑफ हेडरूम भी है, एंड देट इज डिस्पाइट हैविंग अ लार्ज पैनोरमिक सनरूफ एट द फ्रंट। अगर मैं बात करूँ रियर सस्पेक्टिव के तरीके से और फीचर्स के, तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको एडिटेटेड एसी वेंट्स भी मिलेंगे टू मेक यू फील कूल, और यहाँ पर आपको दो कप होल्डर्स दिए गए हैं एट ईदर साइड्स, और स्पेसिफिकली दैट साइड आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिलेगा। सिंस दिस इज अ 7 seater वेरियंट, यहाँ पर आप 3 लोग ईजिली बैठ सकते हैं, और यहाँ पर आपको एक एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिलेगा फॉर द थर्ड पैसेंजर, जो कि अभी प्लेस में नहीं है। देयर इज अ नाइस कैविटी वेयर यू कैन प्लेस द हेडरेस्ट व्हेन नॉट इन यूज। Now since we are done with the rear seat comfort of the Invicto, let's check what features does it offer. Maruti Suzuki Invicto ke kuch key notable features hain, jaise ki 6 airbags, panoramic sunroof, wireless Apple CarPlay, power tailgate, front ventilated seats and multi-zone climate control. Chaliye ab Maruti Suzuki Invicto ke dimension details dekhte hain. मारुति सुजुकी इन्विक्टो की लेंथ 4755 mm है, एंड जस्ट लाइक द इनोवा आई क्रॉस ये अपने सेगमेंट की सबसे लंबी कार है। लाइक इट्स लेंथ, इसका व्हील बेस 2850 mm का है जो कि क्लास लीडिंग है। इट इज़ वर्थ मेंशनिंग कि इन्विक्टो में आपको 17-inch के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, वेयर एज मोस्ट ऑफ द ड्राइवर्स ऑफर 18-inch अलॉय व्हील्स। चलिए मारुति सुजुकी इन्विक्टो के इंजन स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। अनलाइक इट्स टोयोटा कज़िन, मारुति सुजुकी इन्विक्टो में सिर्फ एक 2 liter का स्ट्रॉन्ग हैवी पेट्रोल इंजन आता है। इट प्रोड्यूसेस 186 PS ऑफ पावर एंड 206 Nm ऑफ टॉर्क। ये इंजन आता है एक CVT ट्रांसमिशन के साथ, एंड इट चैनल्स पावर टू द फ्रंट व्हील्स ओनली। इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी, मारुति सुजुकी क्लेम करता है 23.24 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी, विच इज क्लास लीडिंग। चलिए अब मारुति सुजुकी इन्विक्टो के प्राइसेस देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। मारुति सुजुकी इन्विक्टो 2 variants में आता है, विच आर जेटा प्लस एंड अल्फा प्लस। इसका जेटा प्लस वेरिएंट विद 7 seater ऑप्शन कॉस्ट करता है 24.79 lakh, वेर एज जेटा प्लस 8 seater ऑप्शन कॉस्ट करता है 24.84 lakh। इन्विक्टो का टॉप स्पेक अल्फा प्लस वेरिएंट फिफ्थ 7 seater ऑप्शन के साथ आता है एट ₹28.42 lakh। इट इज़ वर्थ मेंशनिंग दैट द aforementioned prices आर इंट्रोडक्टरी एंड आर बाउंड टू चेंज इन द फ्यूचर। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये वीडियो। अगर आपके मारुति सुजुकी इन्विक्टो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हैं या हमारी वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सजेशन है तो हमें कमेंट से जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं, या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।